चित्रकूट NH 35 पर सड़क हादसा। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। चित्रकूट में बस और बोलेरो टकराई। अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे पन्ना। 6 लोगों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में तेज रफ्तार जनरथ बस और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव के नेशनल हाईवे का है, जहां चित्रकूट से प्रयागराज की तरफ रोडवेज की जनरथ बस से प्रयागराज की तरफ से आ रही बोलेरो गाड़ी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिससे बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं बस में बैठे 2 यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद उन सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थान के लिए उन्हें रवाना किया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने तुरंत रेस्क्यू चलाकर सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है और बस के नीचे घुसी बोलेरो को रेस्क्यू कर अलग अलग कराया है। वह जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने भी घायलों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने बताया है कि जनपद चित्रकूट में जनरथ बस और बोलेरो की भिड़ंत होने पर 5 लोगों की मौत की दुखद खबर आई है, जिस पर उनके और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही उनके बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे हैं, जिसमें बोलेरो सवार 6 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है, और बस के 2 यात्रियों को भी मामूली चोट आई थी, जिनको इलाज के बाद बस में बैठाकर सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया है। आज जनपद चित्रकूट में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की शामिल हैं। जो 6 अतिरिक्त लोग थे उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है, ताकि जहां तक हो सके उन्हें उच्च कोटि का इलाज मिले और उनकी जान बचाई जा सके। जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे वो सुरक्षित हैं। 2 को मामूली चोटें आई हैं, जिनका जनपद स्तर पे उपचार चल रहा है। बाकी बस में बैठे सभी यात्रियों को इवैक्यूएट करके दूसरी बस से भेजा जा रहा है उनके गंतव्य स्थान तक। DM चित्रकूट और मेरे द्वारा जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को वाहनों में से इवैक्यूएट करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई तथा अस्पताल पहुंचाया गया। और अब जो रेफरल्स हुए हैं उनके संबंध में भी SRN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि चोटिल व्यक्तियों को वहां पहुंचने पे जल्द से जल्द अच्छा उपचार मिल सके। बाकी सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। CIBN न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।